तो आज हम बात करेंगे ओएसिस इस शॉर्ट फिल्म के बारे में। फिल्म के स्टार्ट होते हम एक बहुत ही बड़े रेगिस्तान को देखते जहाँ पर एक आदमी किसी चीज की खोज करते हुए उस रेगिस्तान में दर बदर भटक रहा होता है। उस आदमी के हाथ में एक अलग ही किस्म का डिवाइस था जिसके सारे वो उस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे जैसे वो उस चीज के नजदीक जाता है वैसे वैसे वो डिवाइस बीप करने लगता है और एक जगह पहुंचकर वो आदमी उस डिवाइस को जमीन के अंदर डाल देता है और उस डिवाइस की मदद से वो आदमी वहां पर एक बहुत ही गहरा लेकिन छोटा सा गड्ढा बनाता है। अब वो आदमी अपने बैग में से एक बॉटल निकालता है और उस बॉटल को उस होल के पास रखता है और अब धीरे धीरे उस होल में से पानी बाहर आने लगता है। उस पानी को पाकर उस आदमी को बहुत खुशी होती है। अब वो आदमी उस पानी को देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक लेडी आकर उस पर हमला कर देती है, क्योंकि उस लेडी की चाह उस पानी की तरफ थी और उस एक बोतल पानी के लिए वो दोनों लड़ने लग जाते। अब ये लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि वो आदमी उस लेडी को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक छोटी सी लड़की आकर उस बोतल को हाथ में ले खड़ी होती है, जिस वजह से वो आदमी उस लेडी को छोड़ देता है और वो छोटी सी लड़की भी उस बोतल को उस आदमी की तरफ फेंकती है। अब वो आदमी उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता है और बचा हुआ पानी उन दोनों को दे देता है, जिसे वो दोनों भी थोड़ा थोड़ा करके पी लेते। और इसके बाद फिर से वो आदमी उस बड़े से रेगिस्तान में पानी की खोज करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार वो आदमी अकेला नहीं होता बल्कि वो माँ बेटी उसके साथ होती है। दोस्तों, हालांकि ये कहानी चंद मिनटों की है, लेकिन इसमें दिखाया गया सार हमारे जिंदगी में आने वाला वो मोड़े जो अब शायद ज्यादा दूर नहीं। साउथ अफ्रीका में स्थित केप टाउन शहर ने एक भीषण वाटर क्राइसिस यानी जल संकट का अनुभव किया। रहने लायक क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े पेड़ों की होने वाली कटाई या फिर पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी के कारण साल के सूखे वक्त में जंगलों में लगने वाली आग, बड़े बड़े हाईवे के लिए होने वाला वनों का विनाश, इन सभी के कारण हम हमारी हरी भरी धरती को मरुभूमि में तब्दील कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ने वाले हमारे कदम आने वाले कल का स्वरूप कितना भीषण बना सकते हैं, इस बात की झलक इस ओएसिस नामक शॉर्ट फिल्म में दिखाई गई है। ओएसिस नाम का मतलब ये कि रेगिस्तान में उपस्थित ऐसा क्षेत्र जहाँ जल और पेड़ पौधे हो, और इसी ओएसिस की खोज में जुटे हुए लोगों को इस कहानी में दर्शाया गया है। और इस खोज को जारी रखते हुए ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।